लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव की साली और चंद्रिका राय की बेटी करिश्मा राय को आरजेडी का टिकट दिया, जिसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि चाचा के खिलाफ भतीजी को चुनाव में उतारने की तैयारी है। लेकिन अब ये तय हो गया है कि करिश्मा राय दानापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं अब करिश्मा दानापुर से चुनाव मैदान में उतरेंगी तो रीतलाल यादव एक बार फिर से तेजस्वी यादव से बगावत कर सकते हैं। दरअसल दानापुर विधानसभा सीट पर करिश्मा राय की एंट्री से रीतलाल यादव को बड़ा झटका लग सकता है। रीतलाल लाल यादव आरजेडी के विधान पार्षद हैं। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर बाहर आए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें कोर्ट ने जमानत दी है। जेल से निकलने के बाद से ही चुनाव प्रचार करने लगे हैं। ऐसे में लगातार चर्चा है कि दानापुर विधानसभा सीट से या तो वह खुद या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन अब करिश्मा की एंट्री के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या 2015 की तरह एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में लाल बागी तेवर अख्तियार करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने खुद करिश्मा का आरजेडी में स्वागत किया था। अगर उन्हें विधानसभा का चुनाव दानापुर से लड़ाने की तैयारी है तो ये सीट काफी अहम हो जाएगी। न्यूज़ डेस्क।